सोशल मीडिया पे एक सवाल आया है और वो ये पूछ रहे हैं, हज़रत से दरियाफ़्त करते हैं कि हज़रत वो ये पूछ रहे हैं कि अगर काम के शुरू में नियत करना भूल जाएं और बाद में ख्याल आए इसका तो क्या किया जाए? ये तो बहुत आपने टेक्निकल सवाल किया है। जी वो काम की नौइयत देखी जाएगी, किस नौइयत का काम है। अच्छा, अगर फर्ज वाजिब इबादात में से कोई अमल और इबादत है तो फिर तो वो तो अमल और इबादत हुआ ही नहीं। अब नमाज पढ़ने से पहले आप नियत करने ही भूल गए नमाज की, वैसी बातें करते करते हाथ बांध लिए तो आपको जहन में ही कि नमाज, क्योंकि नमाज की नियत इस दर्जा ज़रूरी है कि आपको ये भी पता हो कि कौन सी नमाज आप पढ़ रहे हैं। और उसका तरीका यह है कि अगर झट से कोई आदमी आपकी पूछे आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं तो आप बगैर सोचे जवाब दें कि जोर पढ़ रहा हूँ। आप सोचे नहीं कि मैं जोर पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब आपकी नीयत वो पुख्ता नहीं है, तो ऐसी नमाज नहीं होती। लिहाजा इतना इस्तेज़ार होना चाहिए। इसे ज़कात दे रहे हैं तो ज़कात एक फ़र्ज इबादत है, तो ज़कात देते वक्त में आपकी नीयत हो कि मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ। रोज़े जब रख रहे हैं, रोज़े रखने के वक्त आप बाकायदा नीयत करें, तभी तो वो दुआ कहलवाई जाती है, ताकि जो है वो अभी सौमी गदिन नवई तुम इनशारी रमज़ान, ताकि वो इस दिल की नीयत का इस्तेज़ार हो जाए। तो नीयत तो देखा जाएगा कि फ़र्ज वाजिब आमाल हैं, इबादात है, तो वो तो अव्वले वाले में नीयत ज़रूरी है कि नीयत भूल गए बाद में याद है तो वो हुआ ही नहीं, वो इबादत ही नहीं हुई, आपको नए सिरे से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो है वो आमाल जो आम नवाफिल आमाल हैं, आम दूसरे आमाल हैं, कोई कोई नेक जो है वो हुस्न खल्क है, उसमें आप नियत करना भूल गए हैं और तो बाद में याद आई, तो अगर उसका ताल्लुक भी नफली नमाजों से है, नफली रोज़ों से है या इसी और चीज़ों से है, उसके अंदर नमाज के अंदर भी ये ज़रूरी होगा जो अव्वले बारे में आपकी नीयत मुतय्यन हो। रोज़े में अलबत्त ये है कि आपने रोज़ा रख लिया, अभी नीयत मुतय्यन नहीं की, तो फिर आपको बाद में आपने ख्याल चलो मैं रोज़ा रखता हूँ तो आपने चाश के वक्त में नीयत बांध ली कि मैं नीयत करता हूँ रोज़े की। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर लिया करते थे, जब घर में कुछ खाने को नहीं होता था पूछे आयशा कुछ है कि जी कुछ नहीं है, तो मैं चलो आज मैं अल्लाह के लिए रोज़े से हूँ। तो ये तो डिपेंड करता है कि किस किस्म की, लेकिन यह है कि असल में तो ये आप फितरी तकसीम देखें तो नीयत के बगैर कोई अमल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमल कोई भी जब स्टार्ट होता है तो उसमें तीन बुनियादी स्टेप हैं। सबसे पहले इलम, उसके बाद ख्वाहिश, उसके बाद कुदरत। ये तीन स्टेप जब तक नहीं तय होते तो अमल होता ही नहीं है। सबसे पहले इलम, इलम का मतलब यह है कि नियत आप तब करते हैं जब आपको इस बात का इलम होता है कि ये काम करना है मैंने या ये फलां चीज़ है, उसका आपको इलम होना ज़रूरी। फिर जब वो पता चल जाता है ये फलां चीज़ है, फिर आपके अंदर ख्वाहिश उभरती है, ख्वाहिश उभरती है कि यार अच्छा ये हम करने का काम है, मुझे करना है। ख्वाहिश जब उभरती है तो फिर इंसान में कुदरत पैदा होती है, आप हाथ पैर हिलाने के लिए आगे बढ़ता है, तो फिर इंसान वो अमल करता है। मैं से छोटी सी मिसाल है, खाना है, अभी आप नॉर्मल बैठे हैं, आपके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं, कोई चीज़ नहीं, आप ऐसे बैठे, एक चीज़ पड़ी है, कपड़ा पड़ा है आपके सामने, आप नॉर्मल बैठे, लेकिन जैसे कपड़ा हटाया तो नीचे वो गर्मा गर्म बिरयानी और जनाब मुर्ग मुसल्लम ज़बरदस्त लजीज खाना, खुशबू फूट रही है। अब आपको एकदम इलम हुआ कि ओह ये तो खाना पड़ा है, पहले इलम नहीं था, आपकी तवज्जो ही नहीं गई, जैसे वो कपड़ा हटा आपको इलम खाना है। अब इलम होने के बाद आपके अंदर ख्वाहिश उभर आई भूख की, आपके अंदर भूख की ख्वाहिश उठी, जैसे ख्वाहिश उठी है अब आपका हाथ बिरयानी की तरफ बढ़ा, अब वो कुदरत पैदा हुई, अब आपने उठाई और खाना शुरू कर दिया। तो देखो तो कोई भी काम असल में नियत के बगैर होता ही नहीं, क्योंकि आपको तीन स्टेप पूरे करने ही पड़ते हैं। लेकिन ऐसे कोई बेहंगम आदमी होगा कि जो कर ली बाद में मुझे ख्याल है कि ये क्या नियत है, तो वो तो फिर वो तो ऐसा ही है कि पैसे चोरी हो गए तो बाद में कहते हैं यार सदका है, तो वो सदका नहीं, वो सरका ही है, वो सदका नहीं हुआ। इसलिए जो है फितरी तकसीम में तो नियत के बगैर अमल स्टार्ट होता ही नहीं है, लेकिन अगर किसी बेहंगम बंदे ने ऐसा कर ही लिया तो फिर मैंने तफसील बता दी है, उसके मुताबिक उसका हुक्म लगाया जाएगा। जी, एक कॉलर है हमारे साथ,